हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आपका सीईटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। सीईटी यानी कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट दोस्तों होने जा रहा है। ये टेस्ट जो होगा आपका वो ग्रुप सी एम ग्रुप डी की भर्तियों के लिए होगा। और इसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो दोस्तों लेके आए हैं। ये वीडियो होगी हिंदी व्याकरण के विषय में और टॉपिक होगा विलोम शब्द। दोस्तों, बार बार जो है हर एग्ज़ाम में देख लीजिए आप, हिंदी में विलोम शब्द पूछे ही पूछे जाते हैं। तो आपको इस वीडियो में सीईटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए विलोम शब्द का टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बताएंगे कि विलोम शब्द होता क्या है। शब्दों के अपने निश्चित अर्थ होते हैं, इसके विपरीत अर्थ को वहन करने वाले शब्द विपरीतार्थक अथवा विलोम शब्द कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इससे संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखिए। पहला है प्रश्न संख्या 130। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द विकल्पों में आए शब्दों से चुनकर सही उत्तर के विकल्प को चिन्हित करें। पहला क्वेश्चन जो है वो है अवनी। अवनी का विलोम शब्द क्या होगा? यह है अंबर। अगला देखिए, अंतर्द्वंद्व का विलोम शब्द क्या होगा? यह है बहिर्द्वंद्व। अगला देखिए, प्रवृत्ति का विलोम शब्द क्या होगा? यह होगा निर्वति। अगला, राजतंत्र का विलोम शब्द क्या होगा? यह होगा गणतंत्र। अगला, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? यह है पतन। अगला, संयोग का विलोम शब्द क्या होगा? यह है वियोग। विशिष्ट का विलोम शब्द क्या होगा? यह है साधारण। अगला देखिए, अलगाव का विलोम शब्द क्या होगा? योगा वीलगाव। अगला, अर्जन का विलोम शब्द क्या होगा?
ये है वेन। असीम का विलोम शब्द क्या होगा? यह है ससीम। अगला देखिए दोस्तों, अवनत का विलोम शब्द क्या होगा? योगा उन्नत। रवाचीन का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा प्राचीन। अनुग्रह का विलोम शब्द क्या होगा? यह दंड। अवतल का विलोम शब्द क्या होगा? यह है उत्तल। अगला देखिए, अभिजात्य का विलोम शब्द क्या होगा? यह है सामान्य। उल्लास का विलोम शब्द क्या होगा? यह है विषाद। अगला, एकाधिकार का विलोम शब्द क्या होगा? यह सर्वाधिकार। कनिष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? यह वरिष्ठ। अगम्य का विलोम शब्द क्या होगा? यह सुगम्य। ज्योत्सना का विलोम शब्द क्या होगा? यह तमिश्र। दयालु का विलोम शब्द क्या होगा?
योगा निर्देह विस्तीर्ण का विलोम शब्द क्या होगा? योगा संकीर्ण। विकसित का विलोम शब्द क्या होगा? योगा अविकसित। विहित का विलोम शब्द क्या होगा? यह निहित। अगला देखिए दोस्तों, दीर्घकाय का विलोम शब्द क्या होगा? यह कृशकाय। रनिष्काम का विलोम शब्द क्या होगा? योगा सकाम। बहिष्कार का विलोम शब्द क्या होगा? यह स्वीकार। सुलभ का विलोम शब्द क्या होगा? यह दुर्लभ। स्वीकार का विलोम शब्द क्या होगा? यह निर्विकार। हृदयहीन का विलोम शब्द क्या होगा? यह सहृदय। और राजा का शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? योगा गरीब। मतलब पूर्णिमा शब्द का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? योगा अमावस्या। वक्र का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा?
ये है रिजू। निम्नलिखित में राग शब्द का विलोम क्या होगा? योगा विराग। और निम्न में उसर का विलोम क्या होगा? यह उर्वर। निम्न में आदि शब्द का विलोम क्या है? यह अंत। अगला, निम्नलिखित में हर्ष का विलोम क्या है? यह विषाद। अगला, निम्न में उपेक्षा शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? यह अपेक्षा। निम्न में कौन सा शब्द निंदा शब्द का विपरीतार्थक है? यह स्तुति। आस्तिक का विपरीतार्थक शब्द क्या है? यह नास्तिक। प्रश्न संख्या 41 से 45। दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जाती है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। रवि नाथ था लेकिन मल्होत्रा परिवार ने गोद लेकर उसे खाली स्थान बना दिया। अनाथ का हमें विलोम शब्द बताना है दोस्तों। ये होगा सनाथ। यह शब्द तो प्राची की इच्छा ब्लैंक पर निर्भर है। इच्छा का विलोम क्या होगा? यह होगा अनिच्छा। प्रभु का अवलंब दुर्बल मनुष्य को भी खालिस्तान बना देता है। ये बना देता है सबल। दुर्बल का विलोम होगा सबल। अगला देखिए दोस्तों, सूरदास जी सगुण शाखा के कवि थे, परंतु कबीर जी खालिस्तान शाखा के कवि थे। तो सगुण का विलोम होगा दोस्तों निर्गुण।
ईश्वर सत्य है परंतु जगत सत्य का विलोम होगा दोस्तों, मिथ्या, परंतु जगत मिथ्या है। प्रश्न संख्या 46 से 57, दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। यथार्थ का हमें विलोम शोध बताना है। तो यथार्थ का विलोम शब्द है कल्पना। यौवन का विलोम शब्द होगा यह है जरा। प्रतिवादी का विलोम शब्द होगा योगावादी। पक्ष का विलोम शब्द होगा यह है विपक्ष। लौकिक का विलोम शब्द होगा यह अलौकिक। अनुरक्ति का विलोम शब्द होगा योगा विरक्ति। अविश्वास का विलोम शब्द होगा यह विश्वास। उदय का विलोम शब्द होगा यह अस्त। पुण्य का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा दोस्तों पाप। अनुकूल का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा प्रतिकूल। सबल का विलोम शब्द क्या होगा? यह होगा निर्बल। लोक का विलोम शब्द क्या होगा?
योगा परलोक। अगला दोस्तों की प्रश्न संख्या 58 से 61 है कि दिए गए प्रत्येक वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उसी वाक्य में काले शब्द के उपयुक्त विलोम द्वारा की जानी है। इसके लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन है, भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार क्या है? तो हमें आध्यात्मिक का विलोम बताना है दोस्तों। तो ये है पदार्थवादी। ग्लासवत जल के अभाव में हमें खालिस्तान जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। तो स्वच्छ का विलोम होगा दूषित। मतलब 15 अगस्त 1947 को भारत ने प्रतंत्रता की जंजीरें तोड़कर खालिस्तान प्राप्त की। तो प्रतंत्रता का विलोम शब्द होगा यह स्वतंत्रता। उसका हृदय इतना कोमल है कि मित्र तो क्या, वह अपने खालिस्तान को भी चोट नहीं पहुंचा सकता। तो मित्र का विलोम शब्द क्या होगा? ये होगा दोस्तों शत्रु। तो लीजिए दोस्तों, आपकी विलोम शब्द की वीडियो होती है कंप्लीट। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करूंगा दोस्तों, ये मेरा प्रॉमिस आपसे। और उससे भी अगर कोई समस्या है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी जीमेल आईडी डाल दूंगा, उससे भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आरएस नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।